दोस्तों, क्या आपके पास GTA 5 गेम है? अगर आपके पास GTA 5 गेम है तो अगर आपने इपिक गेम से डाउनलोड किया हो तो इपिक गेम के अंदर आपको एक अकाउंट भी होगा, तो उसी अकाउंट को कैसे आप सेफ रख सकते हो इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। कैसे अपने पासवर्ड वगैरह कैसे आप चेंज कर सकते हो अगर आपने इपिक गेम से GTA 5 गेम परचेस किया हो, शायद आपको आईडी पासवर्ड भी मिला होगा, तो उसी आईडी पासवर्ड को कैसे अपने सेफ रख सकते हो, चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो, अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो, ताकि अगर आप कोई भी बंदा अगर आपके इपिक गेम का आईडी पासवर्ड भी आपको उनको मिल जाए तब भी वो ओपन ही ना करना पड़े, ठीक है। तो अगर आप ये सब करना चाहते हो इस वीडियो में बने रहिए, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताऊंगा कैसे आपका जो भी GTA 5 गेम अगर आपने इपिक गेम से डाउनलोड किया हो तो इपिक गेम का जो अकाउंट है कैसे आप सेफ रख सकते हो, इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इपिक गेम का जो भी यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है मैंने यहाँ पर ओपन किया हूँ। तो अभी मेरा जो भी आईडी वगैरह है मैंने यहाँ पर लॉगिन भी किया हूँ, और लाइब्रेरी ऑप्शन में मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा GTA 5 गेम, जबकि मैं भी जो कि डाउन इपिक गेम से ही परचेस किया हूँ और एक अमेजोन सेलर के द्वारा ही मैंने परचेस किया हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है ना, अभी मेरे को आईडी पासवर्ड भी मिल गया था, तो उसी आईडी पासवर्ड को मैंने क्या किया, पासवर्ड को मैंने चेंज कर दिया। वो कैसे चेंज किया, और टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना जो अकाउंट है, यहाँ पर देख सकते हो अपना जो अकाउंट है आर लिखा है, तो इसमें हमने क्लिक किया, और इसमें क्लिक करने के बाद आपको भी अगर आप चेंज करना चाहते हो पासवर्ड, तो आपको भी यहाँ पर आपको क्लिक करना है अकाउंट वाला ऑप्शन पे, और आपको अकाउंट का ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको सेटिंग वगैरह भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, काफी सारे ऑप्शन, लेकिन वहाँ पर हम लोग अभी के लिए नहीं जाऊँगा, इस वीडियो में हम अकाउंट ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहले अकाउंट ऑप्शन में जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास जो इपिक गेम का जो भी अकाउंट्स वगैरह है यहाँ पर ओपन हो जाता है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको देखने के में सुविधा हो। अभी दोस्तों यहाँ पर जो भी अकाउंट है हमारा इपिक गेम का अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ से आप चाहे तो नेम वगैरह जो भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर पेन वाला आइकन में क्लिक करके नेम वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी आप दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको यही बताऊंगा, जो भी जीमेल आईडी है जीमेल आईडी वैसे रहने दीजिए, अगर आपको चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज कीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए, ठीक है। तो मेरे को यही सजेस्टेड मैं आपको करूंगा, और मैं भी जो भी जीमेल आईडी मैं जब भी परचेस किया था तो ये जो है वैसे जीमेल आईडी है, उसको मैं चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने पासवर्ड को चेंज कर दिया, ठीक है। अभी दोस्तों पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर जो पासवर्ड सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर करेंट पासवर्ड देना है और न्यू पासवर्ड देना है, और इसके बाद फिर से और एक बार न्यू पासवर्ड देना है, और यहाँ पर आप सेफ चेंज कर सकते हो, तब कि आपके जो भी पासवर्ड वगैरह है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही केयरफुली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड चेंज करने का जो भी यहाँ पर काम है आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, जो भी पासवर्ड दे रहे हो आप सही से देख के आप चाहे तो लिख के रख सकते हो, ताकि आपको बाद में अगर भूल भी जाओ तो उसको देख के आप फिर से याद आ जाए, ठीक है। तो पासवर्ड आप यहां से चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों इसके नीचे आपको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना अकाउंट को और भी सेफ करने के लिए, सेफ रखने के लिए आपको नीचे आपको मिल जाता है टू फैक्टर जो कि ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है। फिर मैं आपको, मैंने इसी ऑप्शन को ऑन नहीं किया, मैंने ओनली ऑन किया यहाँ पर SMS ऑथेंटिकेशन, इसको मैंने ऑन किया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर आपने ऑन करते हो तो एक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ता है, उसी मोबाइल नंबर पे एक SMS जाएगा, तब जाके आप ये जो SMS का जो ऑप्शन होता है वो ऑन होता है। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, इसको ऑन करने से क्या होता है, आप जब भी अपनी ईपी गेम पे जाओगे और वहाँ पर आप लॉगिन करने जाओगे, अपने ईमेल आईडी पासवर्ड देने के बाद भी ओपन नहीं होगा, जब तक आपने वही मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उसी OTP को आप देंगे तब जाके आपको ईपी गेम को ओपन होगा। ये भी एक काफी अच्छा खासा ऑप्शन है जो कि मैंने इसको ऑन करके रखा हो। ये सिस्टम अगर आपने कुछ करेंगे तो आपका जो भी इपिक गेम्स का जो अकाउंट है और भी सेफ हो जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी ऑप्शन को जरूर से जरूर आप चेकआउट एक बार कीजिए, अगर अच्छा लगे, अगर आपको ठीक लगे तभी आप कीजिए। मैं ऐसे आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप कीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको ठीक लगे, सही लगे तभी आप कीजिए, ठीक है। और गाइस यही था कुछ वीडियो अपना अकाउंट को प्रॉपरली अच्छा रखने के लिए, और यहाँ पर जो भी पर्सनल डिटेल्स वगैरह है यहाँ पर मैं ऐसे ही छोड़ दिया हूँ, ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हूँ, ठीक है, ऐसे ही मैं छोड़ दिया हूँ, और उसके बाद टोटल मैं इसको कट कर देता हूँ, इसमें से कोई ऊपर से बाहर आ जाता हूँ, ओके। तो गाइस यही था कुछ वीडियो जो कि जैसे दोस्तों मैंने बोला कि अपना ईपिक गेम का जो अकाउंट है
और भी काफी अच्छा जो कि स्ट्रॉन्ग सेफली कैसे रखेंगे। तो गाइस इस तरह से काफी आराम से अगर आप चाहेंगे अपना एपिक गेम का जो अकाउंट है, जो भी GTA 5 गेम है, यहाँ से काफी आराम से अपने सेफली रख सकते हो, ताकि आपके जो भी अकाउंट वगैरह है, अगर किसी के पास आईडी पासवर्ड भी चला जाता है तब भी वो ओपन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसान से अपने चाहे तो अपने एपिक गेम का जो भी अकाउंट वगैरह है इस तरह से बहुत ही आप सेफली रख सकते हो। तो गाइस उम्मीद है आपके वीडियो पसंद आएंगे, वीडियो पसंद आएंगे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जब भी नया वीडियो अपलोड चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो बोले जय हिंद, वंदे मातरम।